चीन में डॉक्टरों ने एक साल के बच्चे के दिमाग में जुड़वा बच्चे की खोज की। एक नए स्टडी की मदद से इस बात की जानकारी दी गई। पिछले साल दिसंबर में न्यूरोलॉजी जनरल में प्रकाशित अध्ययन से पता चला कि बच्चे को दिमाग से जुड़ी परेशानी हो रही थी। इस दौरान उसके सिर का साइज बढ़ गया था। शंघाई में डॉक्टरों ने बच्चे का इलाज करने से पहले स्कैन किया। इस दौरान डॉक्टरों ने देखा कि बच्चे के दिमाग में दो जुड़वा पीटस हैं। मेडिकल भाषा में ऐसी चीजों को मोनोकोरियोनिक डायनोटिक कहते हैं। पूरी तरह से जन्मे बच्चे के शरीर में अगर कहीं फीटस पाया जाता है तो उसे पैरासिटिक ट्विन कहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये तब होता है जब जुड़वा बच्चे गर्भाशय में जुड़ जाते हैं, लेकिन केवल एक का विकास जारी रहता है। वहीं स्टडी में पाया गया कि जीनोम सीक्वेंसिंग करने के बाद फीटस को बच्चे का जुड़वा पाया गया। IFL साइंस की एक रिपोर्ट के अनुसार भ्रूण में भ्रूण के मामले जुड़वा गर्भावस्था के शुरुआती चरणों के दौरान होते हैं। ऐसा तब होता है जब एक फर्टाइल एग की मदद से बने टिश्यू का ग्रुप होता है। ये ग्रुप टिश्यू को अलग करने के लिए होता है, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अगर ये अलग करने में सफल नहीं हो पाता तब वो शरीर के अंदर ही विकसित होने लगता है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए जस हिंदी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप अपना फीडबैक हमें info@justbroadcasting.com पर मेल कर सकते हैं।